क्या चाल है आप सबके, आए होप अच्छे ही होंगे। तो नए दिन की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ और एक नई जगह के साथ। तो इस टाइम हूँ मैं एर्नाकुलम जंक्शन पे, जो कोची का पार्ट है, तो कोची ही जा रहा हूँ। अब यहाँ से जो है मतलब एक पार्ट है उसका, बट कोची कोई जंक्शन नहीं है, सिर्फ एर्नाकुलम जंक्शन है जो फोर्थ कोची है मेन। उसके लिए पहले अब लोकल बस लूँगा जो यहीं 100 मीटर से मिल जाएगी। उसके बाद मैं एक जेट्टी में जाऊँगा जो मुझे कोची लेके जाएगी। आप लोगों को वीडियो में आके समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और कोची जो है केरला की फाइनेंशियल कैपिटल भी है। मैं नहीं आ जाता घूमने को नहीं है, बट अगर यहाँ नहीं आए तो कहाँ है यार। ये 600 साल पुराना, इनका क्वीन ऑफ अरेबिया सी कहा जाता है केरला। 600 साल पुराना इनका वो है पोर्ट, इसलिए इसको क्वीन ऑफ अरेबिया सी कहा जाता है। अब स्टेशन पे हूँ और स्टेशन से बाहर चलते हैं, लोकल बस पकड़ते हैं और फिर चलते हैं जेट्टी। हम तो यहाँ लोकल बस जेट्टी पे ही घूम रहे हैं, वरना क्योंकि मैं लोकल से पूछा कि बाहर का क्या सीन है, कि अगर कोची जाना हो तो क्या हिसाब है, तो कहते 250 रुपये लेगा। कहा ठीक है, और अगर मैं जेट्टी से जाता हूँ तो कितने रुपये? कहता 6 या 8 रुपये। मैं कहा मैं पागल हूँ, 250 रुपये भर के जाऊँगा। मैं जेट्टी के मजे लेता हुआ जाऊँगा, पहुँच जाएंगे हम 1 घंटे में, वो भी कम से कम आधे घंटे पहुँच जाएगी। अरे हम तो तसल्ली दे, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम घूमने के लिए आए। तो बाहर चलते हैं, लोकल बस पकड़ते हैं और जेट्टी स्टेशन जाते हैं, मरीन ड्राइव जेट्टी स्टेशन। उसके बाद जो हमें लेके जाएगी फोर्ट कोची जेट्टी स्टेशन। ड्रग्स के पूरे खिलाफ है, एंटी ड्रग्स की थी। चलो बाहर। वेलकम टू कोची। रास्ते में जा रहे थे जेट्टी के रास्ते, बस तो हमें मिली नहीं भाई, इतनी फोर्स है यहाँ पे। हमें ने पूछा, मेरे तो कीड़ा था कि भाई क्यों है इतनी, तो ये कहते कि कोई मार्च वगैरह स्ट्राइक वगैरह है यहाँ पे, इस वजह से कांग्रेस की, कांग्रेस वालों को भी कोई काम नहीं है, बीजेपी वाले बड़ी ले लो दिल पे ले लो, कोई नहीं ले लो। तो जेट्टी में आ गया, और अगर ऑटो लेके जाता ना अब यहाँ से भी, कम से कम 200 रुपये मांग रहा था बाहर। एक ने 250 मांगे, एक ने 200 मांगे, और यहाँ सिर्फ 6 रुपये में जा रहे हैं। इसलिए जो है मैंने स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस पहले कहा था, बेवकूफ़ बन जाओ, पूछते रहो, गूगल पे सर्च करते रहो कैसे पहुँचे कैसे पहुँचे, मैप में देखते रहो, लोगों से लोकल से पूछो, उन्होंने बताया 6 रुपये की है, और वहाँ से सीधा फोर्ट कोची पहुँचाएगी आपको जहाँ आपको जाना है, जहाँ के 250 रुपये मांग रहे हैं। आ गए बीच पे, आवाज आप लोगों को आई रही होगी, व्यू देखो कितना प्यारा है। ओ सामने रिफाइनरी भी है। ओके भाई, तो मैं लीव कर रहा हूँ अपने कॉलेज आईटी के लिए, मिलते हैं जल्दी। ओके बाय बाय। तो भाई को अब छोड़ दिया और अब वो जेटी पकड़ के चला जाएगा रेलवे स्टेशन और फिर बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे का है भाई, पढ़ाकू बच्चे हैं ये, आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन है इनका, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अब हॉस्टल में जा रहा हूँ, वहीं एडिट वगैरह करूँगा, क्योंकि इस टाइम एडिट करना बहुत ज़रूरी है। ये प्लेस ली ही इसी वजह से है कि मैं आराम से तसल्ली से एडिट कर पाऊँगा। हाँ जी, दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और अब का क्या सीन है, अब मैं जा रहा हूँ, एक वाटरफॉल है जिसके बारे में मैं आप लोगों को वहीं जाके बताऊँगा। तो अब सुबह सुबह निकल गया हूँ, वैसे ये अगला दिन है, तो कल शाम इतना बिजी हो गया था, थक इतना गया था, तो कुछ नहीं बनाया कुछ भी। अब सबसे पहले जा रहा हूँ जेट्टी, जेट्टी पकड़ के स्टेशन, स्टेशन से एक छोटी सी ट्रेन की राइड, फिर वहाँ से बस। मतलब इतना लंबा सफ़र करके 2-3 चीज़ें चेंज करके फिर पहुँचूँगा वहाँ, फिर वहीं जाके वाटरफॉल के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताएंगे क्या हुआ था वहाँ।
मजा आ जाएगा तुम लोगों को। तो पहुंच गया है एर्नाकुलम, अब 2.5 किलोमीटर है और वॉक करते हुए अब चलते हैं एर्नाकुलम जंक्शन पे, फिर वहां से मेरी ट्रेन है जो मुझे एक जगह पहुंचाएगी, वहीं जाके बताएंगे आप लोगों को। चलो हाँ जी, तो पहुंच गया रेलवे स्टेशन, भाई थक गया, सुबह से 4-5 किलोमीटर चल पड़ा और कुछ खाया पिया वैसे नहीं है, वहीं जाके खाएंगे। अब जनरल की टिकट लेते हैं और मेरे नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चलाकुड़ी। ऐसी जंगल की होती है अपने को 2 स्टेशन बाद चल जाना। हाँ जी, तो आ गया चलाकुड़ी स्टेशन पे, अब बाहर निकलते हैं यहाँ से और पहले कुछ खाते पीते हैं और फिर बस पकड़ के वाटरफॉल। यार मैं पता नहीं क्यों बार बार भूल जाता हूँ, यहाँ नाश्ते का समय होता है 11 बजे तक, डोसा इडली विडली जो खाना हो खा लो, 12 बजे के बाद किसी के पास भी चले जाओ मना कर देते हैं, कहें मील है चावल वाली। एक जगह मिला ठंडा समोसा, उसी से काम चलाना पड़ा, क्या कर सकते हैं, वहीं वाटरफॉल के पास जाके कुछ खाएंगे पियेंगे अगर मिलता है तो। तो पहुंच गया वाटरफॉल के पास, 200 मीटर का ट्रैक है और 50 रुपीस की टिकट है, अब यहाँ से ट्रैक करके नीचे जाना है और वहाँ वाटरफॉल है, चलते हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आप लोगों को जो पता लगेगा ना कि ये बहुत सारी मूवीज में आया हुआ है, इसका नाम है अथीरापल्ली वाटरफॉल और यहाँ पे बाहुबली की शूटिंग हुई थी, बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई थी जो मैं आप लोगों को नीचे जाके बताऊँगा। जो जो एग्जैक्ट लोकेशन है ना, मेन तो बाहुबली वाला सीन, वो शिवलिंग वाला सीन तो सबने ही देखा होगा, वो सीन वो इसी वाटरफॉल का है। लोग यहाँ ग्रुप में आ रहे हैं क्या, और मैं बैकपैक मैं अकेला आ गया। तो चलो अब चलते हैं, 200 मीटर का ट्रैक है, उसके बाद डाउनफॉल में पता नहीं कितना है, तो चलो। बहुत बंदर है भैया, फ्रेंडली बंदर है, वो प्रेग्नेंट है इसको देने, वो प्रेग्नेंट है, वो छोड़ेगा ही नहीं जब तक ज़्यादा नहीं दोगे। वो पहले आता है क्या वाटरफॉल पे, भाई क्या ही व्यू है भाई सामने, ये अभी अपर पार्ट है। क्या हम लोगों ने ऊपर से इतना प्यारा है तो नीचे से कितना प्यारा होगा, अब उस साइड बहुत सारे लोग हैं तो थोड़ी देर वहीं चल के बैठते हैं। लोग नहा रहे हैं अभी यहाँ ठंडे ठंडे पानी में, यार मेरे मन कर गया भाई मैं नहाऊंगा, लेके जाएगी और क्या, तौलिया तो लेके आया था मैं एक पन्ने का 1%, वहाँ नहाते होंगे तो नहा लेंगे, इतना नहीं पता था मुझे कि बट इतने लोग नहाते हैं ऐसा सिस्टम है भाई, अब तो मैं जरूर नहाऊंगा। मैं कपड़े उतार रहा हूँ और मैं रहा हूँ जा, मेरे से नहीं हो रही भाई बरदार, बहुत ठंडा पानी और मज़ा आ रहा, ऊपर इतनी तेज धूप है, नहा लेते हैं भाई मैं तो जा रहा हूँ, नहा के आ गया और क्या ही ठंडा पानी है भाई, इतनी तेज धूप हो रही है अंदर, पता भी नहीं लग रहा था कि धूप इतनी तेज हो रही होगी। मज़ा आ गया बिल्कुल ठंडे पानी में नहा के, मैं बयान नहीं कर सकता इतना मज़ा आया ना। अब कपड़े वपड़े बदलते हैं, कपड़े बदलते क्या हैं,
सूखे कपड़े पहनते हैं और ये वाले ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। मैं तो लाया नहीं था कपड़े, अंडरवियर लाया था और तोलिया, पहन के चलते हैं। आप लोगों को अब दिखाता हूँ नीचे से, बाहुबली की शूटिंग नहीं नीचे हुई थी वो दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ जी, हो गया रेडी, अब नीचे चलते हैं। नीचे से दिखाता हूँ आपको, इतना प्यारा सीन है ना, जो व्यू का मजा है ना, बहुत प्यारा है। यहाँ चढ़ते से लग गई, ऊपर जाने में क्या हालत होगी भाई, फिर तो नीचे और जाना है, फिर ऊपर जाना है भाई। यहाँ तक आए हैं तो करना तो पड़ेगा, चलो। जी तो आ गया नीचे वाटरफॉल पे, और आप लोगों को आवाज आ रही होगी, व्यू देखो सबसे पहले आप लोग। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन सी मूवीज की यहाँ शूटिंग हुई है। सबसे पहले तो बाहुबली, आप लोगों ने मेन आइकॉनिक सीन वो जब पूरा पहाड़ पे चढ़ते हैं और उसके बाद वो शिवलिंग लेके नीचे आते हैं, शिवलिंग लेके वो निकलते हैं, वो क्या आइकॉनिक सीन है, जैसे शाहजहां मौली ने करा था वो। जबरदस्ती सीन था, मूवी थी दिल से जो शाहरुख खान की थी, और प्रीति जिंटा का यहाँ आइकॉनिक डांस। वो वाला सॉन्ग भी यहीं शूट हुआ हुआ है, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की, और उन्होंने यहाँ डांस करा था गुरु मूवी में, सब ने सुना होगा उस। बरसों रे मेघा मेघा, वो यहीं पे शूट हुआ हुआ है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा पास से दिखाता हूँ आगे जाने की, जहाँ तक अलाउ है क्योंकि फेंसिंग लगी हुई है, आगे तक पूरा एक्सपीरियंस देता हूँ मैं आप लोगों को। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कितना ही प्यारा वाटरफॉल है, तभी ऐसे राजा मौली सर ने जो है यहाँ पे शूटिंग करी हुई है भाई, क्या ही वाटरफॉल है ये। और ये जो है ना थोड़ा सा वो है, ये अनएक्सप्लोर्ड, लोगों को पता है बट बहुत कम लोग आते हैं इस साइड, जो मैंने सुना है, तो मुझे भी ज़्यादा भीड़ वाला मैटर दिखा नहीं है। कैमरा में दिख रहा हूँ थोड़ा रेनबो बन रहा है, मुझे नहीं पता आप लोगों को दिखेगा या नहीं, वो एडिटिंग इफेक्ट नहीं है भाई। ऊपर वैसे ही मुझे लग रहा है कि हालत खराब होने वाली है ऊपर जाते ही, चलो। ये आ गया फाइनली ऊपर, अब कुछ खाते पीते हैं भाई और फिर बस पे बैठ के चलो भाई। फाइनली एक जगह डोसा मिला, क्योंकि यार आज मेरा रोटी खाने का मन नहीं था, डोसे की ऐसी आदत पड़ गई कि एक टाइम तो डोसा ही चाहिए, घर जाके पता नहीं क्या होगा भाई। यहाँ के तो डोसे का फैन हो गया मैं, कभी भी जो है ना गोले वाली चटनी नहीं खाता था, मुझे पसंद नहीं है, बट यहाँ आके सांभर इतनी बढ़िया नहीं जितनी गोले की चटनी, इनकी जो स्पेशलिटी है
और एक इतना बड़ा इन्होंने डोसा बना दिया मेरे शहर में जो है ना, ढाई गुना, मतलब मेरे शहर में एक डोसा यहाँ के ढाई गुना ज़्यादा था, मतलब आप समझ गए, मतलब इतना बड़ा था। मेरी हालत ख़राब हो गई उसको ख़त्म करने में, ज़बरदस्ती ख़त्म करा मैंने और एक कॉफ़ी पी, उसे नीचे उतारा तब काम चला। अब बस वाला कह रहा है कि आगे जो है एक बस खड़ी है, वो 5 मिनट में निकलने वाली है, मैं 1 घंटे बाद निकलूँगा। मैं ठीक है, आगे चलते हैं फिर। पहुँच गया चलाकुड़ी बस स्टॉप, अब रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूँ और 7:15 की ट्रेन है। लेट ही हो गया आज, प्लान था मेरा 3-4 बजे तक वापस आने का, एक जगह और जाना था बट कोई दिक्कत नहीं, उसे कैंसिल कर देंगे, इतना खास चीज़ नहीं थी वो तो वहाँ टाइम पास करने के लिए जाने वाला था मैं। कि जो घर है ना केरला के, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शांति है इनके मोहल्लों में। और एक सबसे बढ़िया बात जो मुझे इनके घरों में लगती है, ये घर से बड़े तो गार्डन बना लेते हैं और हमारे साइड ऐसा कुछ नहीं है। और गार्डन वार्डन जब इतने बड़े बने होते हैं ना, इतने सुंदर लगते हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। ये देखो, ये हरियाली है यार इनके, बहुत ही प्यारे लगते हैं सच्ची, बहुत शांति वाले हैं। इनके मोहल्ले से निकल निकल के मैं जानबूझ के जो है ना, कभी कभार जब मैं थका होता हूँ फिर भी है ना, मैं इनके मोहल्लों से निकलता हूँ, जो रूट होते हैं ना इनके, इनके घर देखने में इतना प्यारा लगता है ना, कि इतनी शांति से रह रहे हैं। अब जैसे उस भाई के घर पर गया था मैं, अक्षय के भाई, बहुत ही प्यारा घर बना हुआ था यार, बहुत शांति वाला था, इतना बढ़िया गार्डन था उनका। मेरा सही में अगर मुझे जाना ना होता ना, मेरा मन था यार उसके यहाँ एक दिन रुक जाता है, इतना अच्छा घर बना हुआ, बहुत शांति थी। क्यों भाग रहा हूँ, अभी 2 मिनट पहुँच के बताता हूँ आप लोगों को। पहुँच गए यार जेट्टी के पास, भाई थोड़ा सा पंगा हो गया था, 8:15 मेरी ट्रेन पहुँचनी थी और वो पहुँची 9:05, जब तक बाहर निकला 9:10 हो चुके थे। और मैंने गूगल कर लिया था और मैंने कहा 8:15 के 8:30 हो जाएगी यार, पहुँच जाऊँगा, 9:30 क्लोजिंग टाइम है और ये लास्ट जेट्टी है। अब मैं जैसे ही पहुँचा 9:05, 9:07, 9:08 मैं बाहर निकला, ऑटो वाला कोई वहाँ अवेलेबल नहीं, मैं भागता 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 पहुँचा। क्योंकि अगर ये मिस हो जाती ना तो रात के चार्जेस फोर्ट कोची के जो है 450 रुपये लेता है ऑटो वाला, और ये 6 रुपये है। इस वजह से मैं भाग भाग के आया, इसलिए ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। मैंने कहा पहले वोट करते हैं इसे, सारे ब्लॉग व्लॉग बाद में बनाएंगे, कुछ नहीं बनाया इसलिए मैं भाग भाग के आया, बस वो क्लिप है। तो पहुंच गया और अब हॉस्टल जा रहा हूँ, भाई बहुत थक रहा हूँ, खाना वाना भी खाया नहीं है क्योंकि फुल हो रखा हूँ, अब हॉस्टल में जाके बस सो रहा हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं बढ़िया अगले ब्लॉग में। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक कमेंट सब करके जाना, चाहे हार्ट बना देना पर कमेंट सारे करना और लाइक भी। तो मिलते हैं बढ़िया अगले ब्लॉग में, जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। बाय।